टोयोटा मोटर्स, जिनकी गाड़ियों की पहचान उनकी रिलायबिलिटी और उनकी टफनेस से होती है। लेकिन इतनी अच्छी कंपनी ने, जापान की कंपनी है, क्यों भारत में बजट सेगमेंट्स की गाड़ियों को बनाना बंद कर दिया? एक समय था जब टोयोटा मोटर्स भारतीय बाजार में 4 से 5 लाख वाली गाड़ी बेचती थी। जैसे कि आपको याद होगा, ईटियोस, लीवा, यारिस, ये सारी गाड़ी अंडर 10 लाख सेगमेंट में आती थी और काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ थी ये सभी। लेकिन क्यों टोयोटा ने ये सारी गाड़ियों के सेगमेंट को बंद कर दिया और अब क्यों टोयोटा सस्ती गाड़ियाँ भारत में नहीं ला रही हैं, सारी बातों को बताऊँगा आज की वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहला जो रीज़न निकल के आता है टोयोटा की सस्ती गाड़ियों को ना देने की, वो है टोयोटा खुद कहता है कि भारत के अंदर टैक्सेस रेट बहुत हाई है। जी दोस्तों, जो टैक्स सिस्टम है वो टोयोटा को भारत का नहीं पसंद आता। इनका मानना है कि टैक्स इतना ज़्यादा सरकार लगाती है कि हमें प्रॉफिट कम हो जाती है, जिसके कारण इनका सबसे बड़ा रीज़न है कि अंडर 10 लाख रुपीज़ वाली गाड़ियाँ नहीं बेचना चाहते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं अंडर 10 लाख रुपीज़ की गाड़ियाँ काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील होती है एक आम आदमी के नज़रिए में, और इसमें प्रॉफिट भले ही कम हो लेकिन आम आदमी को काफ़ी सुविधा मिलती है और साथ ही साथ टैक्सेस के जरिए सरकार की कमाई होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ यार, टोयोटा वालों, आप अकेले इंडिया में मार्केट नहीं कर चला रहे हो। मारुति सुजुकी से लेकर टाटा महिंद्रा जैसी कंपनीज हैं और किया भी है, जो कि इंडिया में इस मार्केट को कवर की हुई है, तो यार उनके साथ भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब जिसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है तो वो भाई वो सस्ती चीज़ें नहीं देना चाहता है आपको। नंबर दूसरा, टोयोटा का जो फोकस है वो सिर्फ हायर सेगमेंट पे है। टोयोटा का ये एम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। रीज़न क्या है, अगर वो फॉर्चुनर बेचेंगे तो 50 लाख की बिकेगी और इनोवा बेचेंगे तो 25 लाख की बिकेगी। यहाँ पर इनकी जो गाड़ियों की प्राइसिंग, अक्सर लोग कहते हैं टोयोटा की गाड़ी बहुत अच्छी होती है। नो डाउट इनोवा एंड फॉर्चुनर बेस्ट कार है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड है? आपको 35 से 36 लाख के सेगमेंट में आपको MG ग्लॉस्टर 4-व्हील ड्राइव, ADAS और पैनोरामिक सनरूफ देती है, जबकि अगर आप 50 लाख फॉर्चुनर में देते हो तो उसमें आपको एक सनरूफ तक नहीं आता और ADAS की बात ही अब छोड़ दो। तो जिसकी वजह से इनकी गाड़ियां इनको हायर सेगमेंट में बेचनी है और ये दिखाना ऐसा चाहते हैं कि भारत को हम सिर्फ हायर प्रीमियम सेगमेंट के रूप में उभर के नजर आए, जिसकी वजह से इन्होंने ठान लिया कि अगर हमें एक प्रीमियम कार ब्रांड बनना है तो हमें छोटी मोटी गाड़ियों को अपने बंद करना होगा। और दोस्तों, यारिस, लीवा जैसी गाड़ियों को बंद करने का एक और रीज़न इनके पास था, वो था दोस्तों लो सेल्स वैल्यू। दोस्तों, मानता हूँ टोयोटा की गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल होती है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है, टफ होती है, लेकिन आज के इस दौर में इन सारी चीज़ों से भी बढ़ के एक चीज़ माना जाता है, वो है फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, आप गाड़ी बिल्कुल आप लोहे का बना दो, बिल्कुल मजबूत बना दो, लेकिन अगर उन गाड़ियों में ज़्यादा फीचर्स नहीं आप दे पाते हो तो वो गाड़ी बनाने की कोई सेंस नहीं बनती है। आप यारिस को देख लो या लीवा को देख लो, उसमें कुछ खास फीचर्स नजर नहीं आ रहे थे। उसी रेट पर टाटा टियागो आ चुकी थी, स्विफ्ट है, बलिनो है, i20 है, जो कि आपको ऐसे ऐसे फीचर्स देती है जो कि शायद बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत महंगे में देती है, जिसके कारण इन्होंने अपनी नीचे की सेगमेंट की गाड़ियों को खुद उतार दिया। इनका मानना है कि यार, अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो हटाओ यार इन सभी चीज़ों को। और आप ही बताओ कि आप 7 लाख रुपये लगाकर ईटियोस, लीवा जैसे डिजाइन को लेना पसंद करेंगे करंट टाइम? नंबर चौथा रीजन, दोस्तों, टोयोटा का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि वो मेक इन इंडिया को ज़्यादा बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, यह आप आर्टिकल देखिएगा जहाँ पर मेक इन इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती टोयोटा मोटर्स। दोस्तों, ये थी वो 4 रीज़न की टोयोटा ने क्यों बजट सेगमेंट्स को, गाड़ियों को बंद कर दिया। मेनली जो इनका रीज़न है वो टैक्सेस हैं और ये हायर सेगमेंट पे अपना फोकस बनाना चाह रहे हैं करंट टाइम में। आपको क्या लगता है, क्या टोयोटा को फिर से अंडर 10 लाख सेगमेंट में गाड़ियाँ लानी चाहिए? हालांकि आप बोलोगे ग्लैंजा है ना, तो बता दूँ ग्लैंजा आप कहाँ से आया है वो सब आप सभी जानते होंगे, बड़ी बात ही। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो ऑटो हब का। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर हमारे चैनल को करिए लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।